हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे दैट हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूला की कि डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, वो भी डिस्क्रीट सीरीज के लिए। दिस इज अवर फॉर्मूला। अब देखिए, फॉर्मूला बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही बता देता है कि आपके गिवन सम के अंदर क्या क्या होगा। अब इसमें देखिए, x बार डिनोट आप सिंपली समझते हो कि x बार डिनोट करता है हमारे अरिथमेटिक मीन को। ये हमारा स्टैटिस्टिकल सिंबल है मीन के लिए या फिर एवरेज के लिए। सिग्मा डिनोट करता है हमारा सम ऑफ सीरीज या सम ऑफ डेविएशन, जो भी इसके आगे होगा उसका सम ऑफ। और देखिए, डिस्क्रीट सीरीज जैसे आपने पहले कभी पढ़ी होगी, तो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में, हमने पिछले वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज किया था, तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं थी। तो यहां पर होती है हमारी फ्रीक्वेंसीज। तो लेट्स वी डिफाइन अवर फॉर्मूला। सिग्मा means sum of, f means frequencies, simple, और x means observations। अब देखिए, इसमें दो चीजें और बच गई, एक सिग्मा f जो हमारी frequencies होंगी उनका sum। total frequencies को जब हम add करेंगे, उनका sum करेंगे, तो वो होगा हमारा सिग्मा f। और एक हो गया हमारा एफ एक्स। जब आप फ्रीक्वेंसीज को और ऑब्जर्वेशन को इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तो वो होगा हमारा एफ एक्स। चलो, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक सम को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम अपने सम को समझते हैं कि इसमें जो वैल्यूज है ये किस किस चीज की है। अब देखिए, ये है वेजेस इन रुपीज और ये है नंबर ऑफ वर्कर्स। 10 रुपये मिले हैं 4 वर्कर्स को, 20 रुपये मिले हैं 5 वर्कर्स को। इसी तरह से ये नंबर, ये तो है वेजेस इन रुपीज और ये है वर्कर्स जो कि है फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए, इस पे लिखा है हमने x और यहां लिखा हुआ है f। अब इससे पहले वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो x डिनोट करता है वो करता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और दूसरी भाषा में कहें तो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब कभी आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो ये x की वैल्यू आएगी हमारी हॉरिजॉन्टली। जो हॉरिजॉन्टली एक्सिस होता है वो x होता है, x एक्सिस, और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो फ्रीक्वेंसीज है उसको समझ सकते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर। अब देखिए, वेजेस पे ही तो डिपेंड है ना वर्कर्स। अगर वेजेस नहीं होती तो ये वर्कर्स भी नहीं होते। चलो, अब हमें हमारे सम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है एफ और एक्स की मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड द ऑब्जर्वेशन। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी एफ की वैल्यूज, और ऑब्जर्वेशन है हमारी एक्स की वैल्यूज। अब हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी f, ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशंस। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे fx और हेडिंग्स बनाएंगे अब हमारी fx। तो 4 मल्टीप्लाई विद 10 40, 5 मल्टीप्लाई विद 20 100, 3 मल्टीप्लाई विद 30 90, 2 मल्टीप्लाई विद 40 80, 5 मल्टीप्लाई विद 50 250। अब देखिए, हमारी नेक्स्ट वैल्यू सिग्मा एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स। एफ और एक्स के मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यूज आई है हमारी, हम उन वैल्यूज का सम करेंगे, उन सभी को ऐड करेंगे, तो वो हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए, जो हमारा फॉर्मूला है, हमारे फॉर्मूला की सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। सिग्मा एफ एक्स है आपका 560 और सिग्मा एफ है 19।
अब ये सिग्मा एफ, अब इंडिविजुअल सीरीज में एक एन होता था, वहां पर हमारा इसमें आया है सिग्मा एफ। अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो आपकी फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करोगे तो उससे मिलेगा आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, द सिग्मा एफ एक्स इज, और ये हमारी वैल्यू हो गई सिग्मा एफ, और ये वैल्यू हो गई हमारी सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स को आप डिवाइड करोगे सिग्मा एफ से, एंड इन अदर वर्ड्स 560 को आप डिवाइड करोगे 19 से, तो मीन वेज हो गई 19.47 रुपीज। आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।